शिवसेना के जिला प्रमुख गुड्डू सैनी के नेतृत्व में शिवसेना के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय मुरादाबाद पर एक धरना प्रदर्शन करते हुए हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी को भारत रत्न दिए जाने के संदर्भ में जिला अधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। जिला अधिकारी को सौंपे गए के ज्ञापन में कहा गया कि देश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे करने जा रही है। अपने दूसरे कार्यकाल के चुनावी वर्ष में सरकार ने अनेक राजनीतिक विभूतियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह जैसी हस्तियां शामिल है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह है कि हिंदुत्व के परोधा व हिंदू समाज के गौरव और जीवन भर हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने के विषय में विचार तक नहीं किया गया, जबकि सरकार को भारत रत्न देने के लिए इन सबके साथ बाला साहेब ठाकरे जी के नाम को भी याद रखना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका, इसलिए शिवसेना ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करती है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में ठाकुरदास सैनी, राजेंद्र तिलक सैनी, कासिम मंसूरी, आनंद, रिंकू, रवि कुमार, अनिल कुमार, धनीराम, विनोद कुमार सिरोही, मनोज कुमार, मोहम्मद कासिम, कपिल देव आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं विनोद कुमार सिरोही, शिवसेना माननीय एकनाथ शिंदे द्वारा भारत सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं कि जैसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, डॉक्टर कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी और पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है, उसी आधार पर हम मांग करते हैं कि हमारे हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को भी भारत रत्न प्रदान करें, ऐसी हमारी आशा है और सरकार से, भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं।